इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक है दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103 के सरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर निकली भगवान महाकाल की सवारी के दौरान 3 लड़कों पर थूकने का आरोप लगा है। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने सोमवार देर रात खाराकुआं थाने का घेराव कर आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई करने और मकान तोड़ने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर तीनों आरोपी लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की सवारी में मुस्लिम युवकों के द्वारा सवारी निकलने के पूर्व श्रद्धालुओं पर थूकने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर खाराकुआ थाने का घेराव कर दिया। बाबा महाकाल की सवारी शाम करीब 6:30 बजे टंकी चौराहे पर पहुँचने वाली थी। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क के दोनों ओर छत पर कुछ लड़के खड़े हैं। एक मकान की गैलरी में खड़े लड़कों में से एक बोतल लेकर मुंह में पानी भरते दिख रहा है। इसी के पास वाले मकान की छत पर 3 लड़के भी खड़े दिख रहे हैं। इनमें से एक लड़का नीचे की ओर थूकता नजर आ रहा है। युवकों द्वारा की जा रही घटना को इंदौर से आए श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में कैद किया और शिकायत थाने में की। आज बाबा महाकाल की सवारी निकल रही थी, उसमें सवारी में काफी लोग शामिल थे। सवारी में जो अलग अलग तरह के जो ढोल और जो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर छत से किसी ने पानी पी करके कुछ थूकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाया और उसके आधार पर उन्होंने थाने में एक कंप्लेन दी, जिससे थाना में विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, FIR की गई है और तीन संदिग्ध लोगों को अभिरक्षा में लिया गया।